Cathedral on here again. Okay, let's go. भाई जान प्लान कुछ ऐसा है कि हम आज जा रहे हैं विलेज में, तो आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह जाग रहा हूँ, तो सुबह सुबह जागने की वजह यह है कि मैं सोया नहीं हूँ सारी रात। हम सारे कदम जागते रहे, हमने एक जगह गेट टुगेदर किया है और काफी इंजॉय किया, काफी गपशप हुई है। तो हमारा गेट टुगेदर करने का मकसद ये था कि हम सुबह सुबह जल्दी उठे और जल्दी जल्दी अपना सफर शुरू करें विलेज का। तो अभी पहले नाश्ता करेंगे, सामान सामान उठाते हैं और चलते हैं, अपने सफर को शुरू करते हैं जल्दी से। भाई ये क्या है, लड्डो साथ लेकर जा रहे हैं? हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, हम साथ साथ दिखाते हैं सब कुछ और हमारे साथ बने रहे सारे ऑलमोस्ट देखें बिल्कुल जा रहे हैं। जी 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 यार, इतहाई अफसोस हुआ, आप इतने सोफिस्टिकेटेड हैं, माशाल्लाह व्लॉग भी बनाते हैं और अच्छी खासी दुनिया बन रही। लेदर की चप्पली से कौन वजू करता है? आप मेरी चप्पली का बेड़ा गर्क कर रहे हो। ओली भाई ये बात नहीं किया, मेरी बात सुनो, मैं इसके साथ नमाज पढ़ने गया हूँ, इसको सवाब मिला होगा, ये तो मेरी वजह है। व्हाट, ये चप्पली मुझे वापस कर दे। चले यार ये ले यार, बस आप भी क्या याद रखेंगे। सबसे पहले जाकर परचेजिंग करेंगे, अगर शक्ल कोई देखेंगे कोई अच्छा इंशाल्लाह मिल जाएगा, उसके बाद उसको हम ज़िबा करेंगे और वहीं पे फ्रेश सब कुछ आपको दिखाएंगे। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन मतलब आज का ड्रामा जो रखा होने वाला, तो जुड़े रहे हमारे साथ, जल्दी से चलते हैं। ये गाड़ी वाड़ी तैयार हो गई है, शोर ज़्यादा हो रहा होगा, तो जल्दी से चलते हैं अपना सफर आ रहे हैं हम और इन्जॉय करेंगे, आपको गप शप भी सुनाएंगे। मौसम चेक करें, मैंने देखान पहली दफा ऐसे दिन में सुबह सुबह देख रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं उठता हूँ तब तो 12-2 बज रहे होते थे। अली भाई ठंड लग रही है आपको? ठंड लग रही है, बहुत अच्छा हो गया, बारिश है कंटिन्यूसली, रात से बारिश हो रही है, क्या हवा चल रही है ठंडी, ठंड लगेगी ना, बहुत ठंड लगी। मुझे बारिश हो रही है, सारा गीला हो गया, तो देखते हैं यहाँ शायद नाश्ता में मिल जाए, क्योंकि यही शॉप खुली हुई है पूरे डेरा में। ये नाश्ता है लजीज का, ये क्या है? ये पाए हैं जी, ये इसका झुंडा है, ये ऑयल है, ये चने हैं, और ये क्या है? आलू की भुजिया। वाह वाह वाह, मेरे पास अगर डेरा में भी अच्छा नाश्ता मिलता है यार, पर नान आपके पास होते हैं क्या? इस्लामाबाद वाला नाश्ता मिलेगा। ये देखो हमारे नाती कुछ भागे आ रहे हैं, नाश्ते की भूख इनको भी खींच के लगी है यहाँ पर। तो जल्दी से जाते हैं, नाश्ता मंगवाते हैं और नाश्ता खाते हैं। ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं भूख से बेचारे, क्योंकि पूरी रात जागते रहे और सही दिन किसी ने कुछ नहीं खाया। ये माशाल्लाह सारे भाई भद्रान बैठे हैं जी, श्रोत भाई बैठ जाए, नाश्ता आ रहा है सबको मिलेगा, किसी ने जल्दी नहीं कर लिया। मैं बड़ी मेहरबानी उस्मान भाई, आप नान लाए हमारे लिए। देखिए मैंने अपनी हालत, देखिए ये मैं बारिश में गया हूँ, क्या बात है, भीग गया, क्या बात है, आपको नाश्ता करवाया ना। नाश्ता कर लिया, नाश्ता तो बहुत ही बेहतरीन था, मजा आ गया, हलवे की तो क्या ही बात करें, ऐसे जो मुंह में पानी आ गया, मेरे लड़के तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे भाई, ये तो अभी तक खा रहे हैं भाई, क्या भूख नहीं खत्म हुई अभी तक यार। नाश्ता इतने मजे का था यूनिस भाई का कि मजा आ गया, इस बारिश में गरम गरम नाश्ता, गरम मौसम के मुताबिक तो ये बेहतरीन है, पेट भर गया है लेकिन जी नहीं भरा। चलो चलो मैं अभी चल रहा हूँ, बारिश हो रही है तेजी से और ऑलमोस्ट भीग ही जाना, पहले भी बहुत गीले हो चुके हैं और आज ऐसे ही ठंड लग रही है, जैसे सर्दी हो गई हो, देर की सर्दी। भागो 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 भागो, अली भाई इधर तो देखे, हमने उठाया सिग्नल से यार, ये बाजी मांग रही थी, हमने चुक लिया, ऐसा क्या, चलो नेकी कमा लेने, बाजी को दुआ शुआ कर लो, बाना बस मैं ना होता तो ये प्रोग्राम आप ना होती, सॉरी ना होता क्या होता, ना होती आप, गजब बेइज्जती है। अब ये बताएं हसीब बहुत प्यारा नहीं लग रहा कल से? मैं पैदा प्यारा हुआ था, पैदा तो आप प्यारे से हो, हसीब प्यारा ही है लेकिन वो पहले कंघी नहीं करता था, आज जो कंघी करने लगा, नहाने लग गया रोज, नहाने लग गया रोजाना कसरत के साथ, रोजाना तो नहीं नहाने लगे। ये शायर फरमाते हैं कि एक कहानी है जो सबको सुनानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। वाह 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 वाह, इसका मतलब क्या है? मतलब अख्तू है। ये देखिए गांव में आने का हमारा ये ख्याल, जाने दे आराम से, आराम से जा, सही जा रही थी, वहाँ तो गए हैं, यहाँ पर हमने थोड़े शॉर्टकट मारने की कोशिश की है कि चले यार कहीं शॉर्टकट पे जल्दी पहुँच जाएं, लेकिन वो उल्टा में लेने के देने पड़ गए हैं, ये कीचड़ है और गाड़ियाँ बिल्कुल भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं हो रही, अब तो ये चली जाए।
रास्ते से मत आओ, ये रास्ता उन दिनों का जब धूप होगी, गाड़ियों का अलग नुकसान है। एक गाड़ी हमारी गलत रास्ते पे वहाँ चली गई है और ये गाड़ियों का ये हाल हो रहा है। यार ये क्या तरीका है सीब, आपने हमें इतना एडवेंचर, ये क्या है, मेरी गाड़ी का आपने हाल देखा है? वो देखे गाड़ियों का हाल, ओहो वो देखे फंस गया, अभी पता नहीं भाई निकल सकते नहीं निकल सकते, हो गई निकल गई। क्या क्या दुश्मनी थी मेरे साथ तुम्हारी, इतने तुम्हारे पैसे देने थे इतने जो तुमने मेरे साथ ऐसे किया है, अल्लाह करे इसी कीचड़ में तुम जा गिरो, हमें पैदल ही चलना पड़ा पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि आगे हालात जो ऐसे हैं ना, ये गाड़ियां इतना वजन के साथ ऐसे और धस जाएंगी, हम ये गाड़ी के हालात चेक करें। गाड़ी में सीन देख रहे हैं भाई, ये सीन हुआ एडवेंचर का, ये नतीजा हुआ है शौक आप हो रहा है, खुद परेशान हो गए यार, एंजॉय करो छोटी सी जिंदगी है, लाइफ इज टू शॉर्ट, जस्ट गो इन किचड़। ओए वो पैर पंचर थी, शाबाश रोज, देखे एक ड्राइवर पास, दूसरा ड्राइवर है हमारा, दूसरा मेरा नाक मत कटवाना, जल्दी जल्दी शाबाश शाबाश, सही से सही से गुजरना, फाइनली हम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, क्या है, काफी मुश्किल रास्ता था, ऐसा मुश्किल रास्ता था ना आप पूछे, एडवेंचर 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 वीआईपी किस्म का एडवेंचर था। जो कहते रहा था पर आपका अमेजिंग बहुत मजा आया, मजा यू यू हो रहे थे। कमरा चेक करें जी, अपनी डेकोरेशन है ये, मेहमान खाना, आप जाते बैठे बादशाह सलामत नहीं बैठे होते तख्त के ऊपर, बादशाह सलामत, वाह वाह, ये चेक करें जी, डेकोरेशन चेक करें, बर्तन सजाना। हम बकरे देख रहे हैं इनमें से कौन सा बकरा आज हमने अपने पेट में जाएगा हमारे, तुम जाओगे नहीं तो जी, ये वाला खट्टा ये आज कुर्बान होगा और हमारे पेटों में जाएगा, इसको आज हम खाएंगे लपक लपक के, बड़े एडवेंचर के बाद उस्मान भाई आपको कैसे लग रहा है, इसमें से किसमें से हालत देखें, फिर इधर आके इसी को तो खाने आए हैं इतना दूर हम, अल्लाह नसीब करे खराब ना हो सबका। ओए ये नाश्ता चेक करें, देसी नाश्ता, ये जो शक्कर, फ्रेश मक्खन, मक्खन देसी घी के पराठे, चाय भी है, दिखाएं ताजे दूध की चाय, वाह वाह वाह, यार आपने मेरा इंतजार नहीं किया, आप सो रहे थे, हो रहा था मेरा सोने का, इन्होंने फायदा उठाया यार, वाह 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 वाह, जो सोता है वो खुद होता है, तो ये खाते हैं, ये बड़ा मिस करते हैं हम तो इस नाश्ते को, तो वाह वाह वाह, इसको जब इसके साथ मिक्स करेंगे ना, ओए होए व्यू चेक करें यार, ऐसा व्यू हमने ये देखा होगा, कभी देख रहे हैं, इनको मैंने इनवाइट किया है, इंसानों के साथ मैंने कमों को भी इनवाइट किया, ये भी तेरी इनविटेशन पे है, ये भी मेरी इनविटेशन है, कि मैंने सारी मखलूक की रोटी की आज, इंसान हैवान परिंद जरिंद जरिंद तुम हो जरिंद मैं उठा हूँ मैं उठा हूँ भाई, ओह चले चले मार रहा हूँ उठा के उठाओ इंदा इंदा चार पाई उल्टी करो, उठा के हाथ निकल रहा है आपे बैठे जाओ इगो चप्पल की है पहन चप्पल लो 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 उठा क्रिकेट खेलने आओ, आजो आजो कम ऑन, यू जस्ट स्टे हियर स्लीप हियर जस्ट कीप योर आईज ऑन दिस कम हियर, this is the language, usko english hi nahi samajh aayi ho bhai jaan, thoda urdu mein baat karo koi tameez, come here sleep on this charpai, just keep your eyes on the ghost so the kawa do not get it, which kawa you know better, good word, don't point your finger, you samajh aayi english ya samjhaun tumhe, tumhe english nahi aati na, yeah
the boti, the more boti get flu, you will not get the boti. You will not get the boti. One cup of flu, one boti, you are out of one boti. That's okay. You lost one boti. Yeah. You lost one your boti. One niwala. One niwala. So take it serious. And people eat with mouth. He eat with his eyes, his mouth and his hands. Three niwala at a time. Look at you. Yeah, don't go. I love you bloody serious. That bloody. मेरा ग्यारहवा नहीं जो सारे कुग लेंगे ना जो आखिरी बच जाएगा ना मेरा हो जाएगा तो यार अभी तो क्या साथ करो यार और था वो कर रहा है किस्मत टीम्स डिसाइड हो गई हैं और अभी हम और अभी हम टास्क करने लगे हैं तो आप देखा वाइस कैप्टन है भाई टीमें डिसाइड हो गई और अब टास्क होने लगे सीधा सीधा कर जा सीधा भाइयो ये खेलते कम है लड़ते ज्यादा है इतनी देर से लड़ाई ही हो रही है इनकी पता नहीं क्या है काफी क्रिकेट शिकट खेल लिया अभी तो खाना बन रहा है थोड़ा सा टाइम में हमने कहते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं तो उसके लिए मैं आया हूँ थोड़ा आपको भी विलेज लाइफ दिखाता हूँ मैं खुद वैसे इसका बहुत ज्यादा एक पसंद करता हूँ विलेज लाइफ को क्योंकि ये ऐसी लाइफ है ना इसमें आप नेचर के बिल्कुल करीब होते हैं और हर चीज इसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं है हर चीज परफेक्ट है नेचुरल है तो चले मेरे साथ आप भी इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय करता हूँ ये देखें अल्लाह की कितनी प्यारी नेमत है गंदम इतनी बड़ी नेमत है और आप जब इस जगह पर आते हैं ना तो आप एक अलग ही सुकून फील करते हैं आपको ऐसा फील होता है कि आप एक शहर की लाइफ जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा इंसान को थकाने वाली लाइफ है अब उसे निकल कर एक ऐसी लाइफ में आ जाते हैं कि जहां पर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं आपका डिप्रेशन आपकी एंग्जाइटी है एवरीथिंग हर चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है ये गंदम लगी हुई है और ये बिल्कुल तैयार है ऑलमोस्ट देखें बिल्कुल ही रेडी है ये ऑर्गेनिक गैस है ये गांव वाले यूज करते हैं एज अ ईंधन और इसकी सिर्फ गैस निकलती है ऑर्गेनिक है ये काउडंग का है काउडंग की है इस पे ये रोटियां वगैरह पकाते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जमीन देखें हां जी एक ही जमीन में अल्लाह ताला ने गन्ना भी उगाया हुआ है और एक ही जमीन उसी जमीन से गंदम भी उगाई गंदम भी और उसी जमीन से घास भी उस अल्लाह से कैसे ना उम्मीद हो सकते हैं कि वो आपकी जिंदगी को किस तरह नहीं बाहर कर सकता बिल्कुल अब ये देखें ये गन्ना है और वो गंदम है और ये देखें घास है एक ही जमीन है एक ही पानी लग रहा है मतलब देखें अल्लाह ताला बीज डिफरेंट है ये इंसान का दिल भी ऐसे होता है दिल सेम होता है हर इंसान का दिल सेम होता है वो जो बीज डालेगा वही उगेगा अब देखें यहाँ पे गंदम वो डालिए तो गंदम होगी बिल्कुल आप बहुत बहुत अच्छी बात की आपने देखें इंसान का दिल भी एक जमीन ही है दरखेल इसमें नफरत का बीज डालेंगे नफरत होगी इसमें प्यार का बीज डालेंगे प्यार होगा इसमें इनसिक्योरिटी डालेंगे इनसिक्योरिटी की इसमें शुगर डालेंगे ये आपकी चॉइस है गाइस आप बाहर निकला करें अपनी जिंदगी से 9 to 11 की जॉब से नेचर में घूमा करें जिनके पास जमीन है वो शुगर करें कि वो इसमें टाइम गुजार सकते हैं बिल्कुल नेचुरल में देखे ऊपर धूप निकली हुई है वाओ अच्छा उस्मान भी मैं आपको और नीचे ये जदीद भूख लगी थी मैं तो सो गया अभी आऊंगा रोटी भी शायद मोस्ट बन ही गई है सारे यहाँ पर खाने के लिए तैयार है जल्दी से चलते हैं अभी खा लेते हैं यार मोबाइल भी चार्ज किया और खुद को भी चार्ज किया किधर है खाना है खाना ऑलमोस्ट रेडी है मेरे ख्याल में कोयले वेले बिल्कुल इसको चेक करते हैं रेडियो पूरा मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आज बच्चों का प्रोग्राम था तो हम जबरदस्ती बीच मार्टर हुए हैं बट इधर आए हैं तो माहौल ही कुछ और है क्लाउडी वेदर है बड़ा ग्रीन ग्रीन हर चीज़ है बहुत ग्रीन है तो बड़ा मज़ा आ रहा है तो मैंने इनके साथ हेल्प किया है मैं कह चलो आप हटो भी मैं अपना बना के देता हूँ आपको बहुत सुपर रोश बना हुआ है क्या
छिनवारी और क्या चर्ची और क्या होगी, जब खाएंगे तो इंशाल्लाह ये बताएंगे कि जबरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा खाना खाने के बाद आए आपको एक गांव की छोटी सी सैर कराऊं, चले मेरे साथ। द डे इज़ एंड, सारे अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं और हम भी निकलते हैं, और आज के लिए बस इतना ही है। होप सो आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए दिन नए व्लॉग के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। कभी कभी शहर की ज़िंदगी को छोड़ के गाँव की तरफ आ जाया करें, यह हमें वो चीज़ याद दिलाता जो हम बहुत पहले पीछे छोड़ा है।